नमस्कार, कशिश मिड्डे में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं उर्वशी। मधेपुरा उदा किशनगंज थाना की आनंदपुरा पंचायत में छापेमारी करने गए प्रशिक्षु दारोगा को बाइक सवार अपराधियों ने गोली मार दी। घायल दारोगा को पीएचसी में हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। उनका इलाज मधेपुरा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में चल रहा है। दरअसल पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि अपराधी नेमुआ बराही गांव में किसी घटना को अंजाम देने पहुंचे। इसी सूचना पर दारोगा और पुलिस का एक जवान बाइक से पहुंचे थे। मौके पर पुलिस के कई बड़े अधिकारी पहुंचे और अपराधियों की तलाश में जुट गए हैं। तो मधेपुरा उदा किशनगंज थाने के आनंदपुरा पंचायत में छापेमारी करने गई पुलिस परोक्ष प्रशिक्षु दरोगा को बाइक सवार अपराधियों ने गोली मार दिया। घायल दरोगा को पीएचसी से हायर सेंटर रेफर किया गया और उनका इलाज मधेपुरा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में चल रहा है। दरअसल पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि अपराधी नेमुआ बराही गांव में किसी घटना को अंजाम देने पहुंचे। इसी सूचना पर दरोगा और पुलिस का एक जवान बाइक से पहुंचे थे। मौके पर पुलिस के कई बड़े अधिकारी पहुंचे और अपराधियों की तलाश में जुट गए हैं। मधेपुरा में प्रशिक्षु दारोगा को अपराधियों ने गोली मारी है। बाइक सवार अपराधियों ने गोली मारी है। मधेपुरा मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करने दारोगा जी पहुंचे थे। प्रशिक्षु दारोगा को अपराधियों ने गोली मारी है। फिलहाल इलाज उनका चल रहा है। स्थिति जो है वो फिलहाल खतरे से खाली बताई जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता राजीव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, प्रशिक्षु दरोगा को अपराधियों ने गोली मारी है, क्या कुछ पूरा मामला है और फिलहाल उनकी कैसी हालत है? जी उर्वशी जी, एक घटना दिन के तकरीबन लगभग 9 बजे की है। उदा किशनगंज थाना में एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा सूचना दिया गया कि दो अपराधी अपराध की योजना बना रहे हैं। इसी सूचना पर प्रशिक्षु दरोगा पप्पू कुमार पीएसआई एक पुलिस कांस्टेबल को साथ में लेकर सिविल वर्दी में घटनास्थल की ओर निकल गए। जैसे ही वो बताए गए सूचना पर पहुंचे तो अपराधी अपाची गाड़ी पर बैठ करके मोबाइल से बात कर रहा था और पीछे से पीएसआई ने उन्हें धक्का मारकर गिरा दिया। तो अपराधी ने ये नहीं समझ पाया कि ये प्रशिक्षु पुलिस पदाधिकारी है। वो कमर से पिस्टल निकाल करके गोली चला दी, जिसमें वो पीएसआई पप्पू कुमार गंभीर रूप से जख्मी हो गए। जख्मी हालत में उदा किशनगंज डीएसपी सतीश कुमार को उन्होंने सूचना दिया। मौके पर पुलिस पदाधिकारी आकर के जख्मी पुलिस को मधेपुरा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कराया है भर्ती, जहां उनकी चिकित्सा चल रही है। और पुलिस पूरे इलाके को नाकेबंदी कर सर्च अभियान चला रही है अपराधी की गिरफ्तारी को लेकर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो पुलिस छापेमारी कर रही है गिरफ्तारी को लेकर। प्रशिक्षु दरोगा की जो हालत है वो फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। इलाज अस्पताल में चल रहा है।